हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बेटा आज आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका सिक्स चैप्टर एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, आपके पास दो लाइन्स है ए बी एंड सी डी जो कि इंटरसेक्ट करती है ओ पॉइंट पे, और उसने क्या दे रखा है, दैट एंगल ए ओ सी, ए ओ सी इट मीन्स आपका ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी ओ ई इट मीन्स सॉरी यहाँ हाँ बी ओ ई ये वाला एंगल कितने का दे रखे है। टोटल इन दोनों का सम 70 है। मेरे को नहीं पता ये कितने का ये कितने का, लेकिन दोनों का सम 70 डिग्री है। एंड बी ओ डी इज गिवन टू बी 40 डिग्री। ठीक है, मेरे को निकालना है बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो बेटा देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले लिखोगे गिवन क्या है, फाइंड किया गया। गिवन क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। अगर और क्या दिया हुआ, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ से एंगल बी ओ ई विच इज इक्वल टू क्या आएगा। देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ, ये आपकी लाइन है ए बी और ये आपकी लाइन है सी डी, थोड़ी सी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ऐसे सी डी। ठीक है, तो उसने क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल इसको क्या नाम दिया, ए ओ सी, और ये वाला एंगल है बी ओ डी। अगर मैं बात करूं, अगर ऐसे आपके एंगल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। रीज़न वर्टिकल अपोजिट एंगल, रीज़न क्या है बेटा इसका, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ से, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। इट मीन्स ये 40 है तो ये भी कितने का होगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो मान लो दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, इसमें ये वाली वैल्यू क्या कर दो, पुट। तो यहाँ से आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया बेटा, ए ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, 40 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो बेटा ये पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव, सो एंगल बी ओ इज इक्वल टू 70 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। नाउ बेटा मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई। ठीक है, अब देखो बेटा, इसी के अंदर मैं आपको एक और फिगर बना के दिखा रही हूँ। इसने बोला सी ओ ई, यहाँ से एक लाइन गई हुई है, दिस इज पॉइंट ई, ठीक है, और ये आपका है सी। ठीक है, सी ओ ई इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स क्या होता है बेटा, टोटल जो रिफ्लेक्स क्या होता है, जिस एंगल के बारे में बात की गई है उसके अलावा टोटल। ठीक है, तो यानी कि ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 360 में से, मैं इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल आपको पता चल गया, ये वाला एंगल आपको पता चल गया, अगर मैं इसको माइनस कर दूं 360 में से तो बाकी बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। तो पहले मैंने यहां से क्या निकाला, सी ओ ई। देखो कैसे निकालोगे, दिस प्लस 180 लाइन पे बने हुए, एक ही लाइन पे बने हुए तो 180 बनाएंगे। तो देखो बेटा, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, देखो ए ओ सी प्लस बी ओ ई इन दोनों की वैल्यू 70 की बने, प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इनकी वैल्यू आपको क्या दी गिवन है, 70 डिग्री। तो सी ओ ई आपका कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा, अगर मैं बात करूँ तो 180 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 110। ठीक है, अब ये वाला 110 है तो मेरे को पूरा एंगल निकालना है, तो कैसे आ जाएगा, 360 में से सिर्फ इसको क्या कर दूँ माइनस, क्योंकि टोटल एंगल कितने का होता है, 360। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 052, इट मीन्स 250 डिग्री। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।